सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा बीए, बीएससी, बीकॉम के जो पेपर्स होते हैं, पेपर होने वाले हैं एक्चुअली सेमेस्टर के, उनको लेकर के डिस्कस करने वाला हूँ मैं। एमए, एमएससी, एमकॉम को लेकर के भी इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो ये वीडियो जो है थोड़ा सा हो सकता है 8-10 मिनट का हो जाए। सिलेबस क्या हो सकता है, कैसा होगा, कब तक सिलेबस आएगा, क्या एग्ज़ाम की स्कीम रहेगी, कितने पेपर होंगे, ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो पसंद भी आएंगी और आप समझ पाएंगे। और इसके लिए जितने भी स्टूडेंट, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हैं, तो टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका लिंक मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और मैं सभी बच्चों को बता दूं बेटा, इस बार एक नया चेंज ये आया है कि यदि आप 2 सेमेस्टर के बाद छोड़ते हैं तो क्या होगा, 4 के बाद छोड़ते हैं तो क्या होगा, और पूरे 6 सेमेस्टर के बाद छोड़ते हैं तो क्या होगा। मतलब आपको, यदि आपने किसी ने 2 ही सेमेस्टर पास किए हैं तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, यदि 4 सेमेस्टर पास किए हैं तो डिप्लोमा मिलेगा, और यदि उसने पूरे 6 पास कर ली तो उनको बीए की डिग्री मिलेगी। ये कुछ चेंजेज हैं जिसको मल्टीपल जो एग्जिट वाला सिस्टम कहा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसके हिसाब से। और जो बच्चे देखेंगे, मैं उम्मीद ये करूँगा कि बेटा आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। देखिए, ये जो है जिन बच्चों के तीनों पेपर थ्योरी के होते हैं, खासतौर पर बी कॉम में, बीए में भी तीनों पेपर थ्योरी के हो सकते हैं, तो उनके क्या सिस्टम है, पहले तो मैं उनको लेकर के डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, बहुत सिंपल है, आपके इस बार सिर्फ 3 ही पेपर होंगे सब्जेक्ट के, जिनको पेपर 1 ही कहा जाएगा, और ये 6-6 घंटे, सॉरी ये जो है 3-3 घंटे के होंगे, और 100 नंबर का तो आपका पेपर होगा और 50 नंबर आपके इंटरनल के होंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लें। और इंटरनल में आपको पास होने के लिए जो है मिनिमम 20-20 नंबर, और एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको 40-40 नंबर 100 में से लाना ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त आप लोगों को एक कंपलसरी का पेपर भी है, जिसको हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी आपको एक सेलेक्ट करना है, तो वो यहाँ पर आपको, ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है। फिर यदि आप सेकंड सेमेस्टर की बात करोगे, तो जैसे किसी ने हिंदी पहले पढ़ लिया तो अगले सेमेस्टर में वो इंग्लिश पढ़ेगा और वही सेकंड पेपर होंगे। अब इनके सिलेबस का क्या सीन है वो मैं बता दूंगा। देखिए, 40-40 क्रेडिट स्कोर का मतलब, यहाँ पर एक चीज़ जो आपके समझ में आएगी वो ये है कि कंपलसरी का भी क्रेडिट स्कोर काउंट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है ये सिर्फ पासिंग मार्क ज़रूरी नहीं है, आपको इसमें भी स्कोर करना पड़ेगा, तब जा करके आपका स्कोर अच्छा आएगा। तो अब कंपलसरी नहीं रहा एक प्रकार से, जहाँ तक मैं जो मान पा रहा हूँ, इसको आप लोग एज ए सब्जेक्टिव ट्रीट करें, अच्छे से पढ़ें। अब हम लोग सेकंड ईयर की बात करें, तो सेकंड ईयर में यहाँ पर क्या होगा। देखिए, सेकंड ईयर की स्थिति आप देख पाओगे तो वही 3 पेपर, वही 50-50 नंबर का इंटरनल। अब ये इंटरनल कैसे होगा ना, इसको लेकर के मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा और बताऊँगा कि इंटरनल इस बार कैसे होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखिए, ऑप्शन 4 एग्जिट डिप्लोमा, यदि आपने 4th सेमेस्टर में पढ़ाई छोड़ दी तो आपका ऐसा नहीं है कि वो डिग्री बेकार हो गई जैसे कि पहले हो जाती थी, अब आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। और यदि आप पहले 2 सेमेस्टर के बाद छोड़ देते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये चीज़ें मैं बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से आप लोगों के साथ इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के आपके बहुत काम आने वाली है। इसी प्रकार से यदि कोई बच्चा 3rd ईयर में आता है, पैटर्न रिमेन सेम है। अब यहाँ कंपलसरी के देखो पेपर 2 जुड़ गए, वैल्यू एडेड कोर्स के नाम से ये 2 पेपर ऐड किए हैं जो आपके 5th और 6th सेमेस्टर में होंगे। तो ये सीन तो अपना है जहाँ तीनों सब्जेक्ट जो है थ्योरी के रहे। अब यदि किसी के एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या होगा, इसको लेकर के बच्चे कन्फ्यूज थोड़े से हैं। मैं आपको बता दूँ कि जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, देखिए, जिसमें थ्योरी है ना, वहाँ तो कोई इशू है ही नहीं, वहाँ वही सिस्टम रहेगा कि 100 नंबर का पेपर होना है और 50-50 के इंटरनल होने हैं। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल की बात आती है, जैसे कि ज्योग्राफी है, होम साइंस है, साइकोलॉजी है, तो वहाँ पर क्या होगा, देखिए, इंटरनल जो है 50 की जगह 30 नंबर का हो जाएगा और पेपर आपके 70 नंबर का होगा, आप देख पा रहे हैं। और जो
प्रैक्टिकल है ना, वो आपका पहले की तरह 50 नंबर का बना रहेगा, तो वो कोई मेजर इशू नहीं है। देखिए 50 नंबर का प्रैक्टिकल आपके स्टिल रिमेन है, तो वो है आपके। फिर इसी तरीके से इनके सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में आएगा। यदि किसी के दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये हो सकता है कई बच्चों के दो प्रैक्टिकल होते हैं, तो वही रहेगा। देखिए जिनमें प्रैक्टिकल है ना, उसमें 30 नंबर का इंटरनल, 70 नंबर का पेपर और 50 नंबर का प्रैक्टिकल, इस प्रकार से ये 150-150 के होंगे इस बार। और मैं आपको बता दूं कि 150 × 4 यानी 600 का स्कोर यहाँ पर एक बार में बनेगा। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। और मेरे सामने यही स्कीम जो है सब बच्चों के ऊपर चूंकि लागू होने वाली है, तो किसी को बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता जो है नहीं है। सॉरी 500 का बनेगा ये, क्योंकि कंपलसरी सिर्फ 50 का ही है। तो 150 × 3 यानी 450 यहाँ पर बन रहा है, प्लस 50 यानी कंपलसरी के, तो ये 500 हो गए। और 6 सेमेस्टर के ये जो है पूरे 3000 क्रेडिट बनेंगे, और 3000 क्रेडिट में से जो है आपका स्कोर जो है टोटल बन पाएगा। मार्क्स अलग चीज़ है, ये जो मार्क्स देखिए 500 के हिसाब से चला आ रहा है। पहले सेमेस्टर में कितने हो रहे थे, 1000 हो रहे थे फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के टोटल कितने हो रहे, 1000 हो रहे, फिर थर्ड ईयर के टोटल कितने हो रहे, फिर 1000 हो रहे। तो तीनों साल का जो है वो क्रेडिट स्कोर कितना हो रहा है, पूरा 3000 का। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेमेस्टर का टोटल कितने क्रेडिट स्कोर कितने हैं टोटल, उस हिसाब से 120 क्रेडिट स्कोर यहाँ पर हो रहे, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको समझते हुए चलना है। अब कुछ बच्चे इसमें लेकर के ये कन्फ्यूज है कि सर ये किन किन के लागू होगा, तो ये देखिए BA, BSc और BCom तीनों के फर्स्ट ईयर के प्राइवेट और रेगुलर, प्राइवेट और रेगुलर दोनों के ऊपर लागू है। तो कोई भी जो है इससे बचा हुआ नहीं है, कोई ये सोचे कि सर हमारे ऊपर लागू होगा और हमारे ऊपर नहीं होगा, तो ये सबके ऊपर लागू हो रहा है। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर पहले की तरह चलते रहेंगे, उनमें अभी कुछ नहीं होगा, अगले साल से जो है ऑटोमेटिकली सेकंड ईयर में आ जाएगा और उसके अगले वाले में थर्ड ईयर में आ जाएगा, यानी इस साल जो है ये ऐसा नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मैं थोड़ा सा डिस्कशन जो है MA MSc वाले बच्चों को लेकर के कर लूँ। देखिए MA में भी प्रीवियस में, MA MSc MCom प्रीवियस में ये लागू होगा। हर सब्जेक्ट में 100 नंबर के 4 पेपर होंगे, 100-100 के, जिनमें से आपको 40-40 नंबर लाने ज़रूरी है पास होने के लिए, अदरवाइज मुश्किल होगी। और 50-50 नंबर के इनमें भी इंटरनल होंगे। अब ये ध्यान रहे कि इंटरनल चूँकि कॉलेज में ही आकर के आपको असाइनमेंट जमा कराने हैं, अपने टीचर से मिलना है, तो आपको थोड़ी सी उपस्थिति तो बढ़ानी पड़ेगी। इस प्रकार से ये भी 150 का हो गया। आप ये देख पा रहे हो कि ये भी यदि इन 50 को आप ऐड कर दोगे 50 मार्क्स को, तो ये भी 150 के हो गए, ये 600 हो गए। और इसके साथ ही थर्ड और फोर्थ में, सॉरी सेकंड और थर्ड में दो दो क्रेडिट पॉइंट के और होंगे, तो ये भी स्कोर जो है आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये प्राइवेट और रेगुलर दोनों के ऊपर लागू है, और फाइनल के ऊपर ये पहले की तरह चलता रहेगा, यानी एनुअल स्कीम में। तो ये कुछ चीज़ें थी, मेरे सामने आपके समझ में आ गई होंगी। अब ये इंटरनल कैसे होंगे और कैसे आप लोगों को पास होना है, क्या 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 चीज़ें हैं जिनको पढ़ना है, BSc को लेकर के मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी बताने को, इसलिए मैं फ़िलहाल नहीं बता पा रहा हूँ, जैसे ही कुछ होगा बताऊँगा। लेकिन मेरे सामने BSc में भी सिस्टम यही रहेगा, बस 3 पेपर होते हैं, तो उनके सब्जेक्ट 3 होती है, लेकिन पेपर मेरे हिसाब में उनके भी एक ही होगा। आप और वही सिस्टम रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग जो पहले था, कि 100 नंबर का पेपर जो है पहले 50 का होता था, आजकल वो 100 का हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। हो सकता है थोड़ा सा बढ़ा करके कर दे, लेकिन BSc के बारे में अभी डिटेल नहीं है तो मैं आप लोग के साथ साझा नहीं कर रहा हूँ, इतना पर्याप्त है। और आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। और इस वीडियो को आप अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू।